बच्चों के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं किसी रानी के कक्ष में बैठकर के प्रसादी पा रहे हैं, कहीं किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, और भगवान का गृहस्थ जीवन परम आनंदमय है। भगवान के सबसे बड़े नाती हैं और जिनका नाम है अनिरुद्ध, उनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। परीक्षित बोले, गुरुजी ये बाणासुर तो भगवान शिव के अनन्य भक्त हुए और इनकी बेटी के साथ में भगवान के पौत्र का विवाह कैसे हुआ, आज मुझे ये कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन एक बार बाणासुर की बेटी उषा ने स्वप्न देखा और स्वप्न में एक राजकुमार के साथ में अपना विवाह देखा। प्रातः काल हुआ तो बाणस्य मंत्री कुंभांड चित्रलेखा च तत्सुता शक्य प्रच्छन्न सखी मूषा कौतूहल समन्विता। एक कुंभांड मंत्री की बेटी है और जिसका नाम है चित्ररेखा, आज वो योगिनी है और उषा ने उस योगिनी सहेली को बुलाया और सहेली को बुलाकर के कहा, बहन स्वप्न में मैंने किसी राजकुमार के साथ में विवाह देखा है, अगर वो स्वप्न वाला राजकुमार नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। चित्ररेखा ने कहा, तू बड़ी पागल है, स्वप्न में किसके साथ में तूने विवाह देखा है, अब हमें क्या मालूम है, उसका कोई पता हो, उसका कोई नाम हो तो उसकी खोज की जाए, अब तुझे उसका नाम और ये पता मालूम है क्या? बोले नहीं, लेकिन चित्ररेखा चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी, बड़ी योग्य थी और उसने चित्र बनाना शुरू किया, अब दुनिया के चित्रों को बनाना आरंभ किया, लेकिन कोई भी उषा को चित्र पसंद नहीं आया। चित्ररेखा ने द्वारका में भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। आज उषा बोली, ये चित्र उससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन भगवान के जब पुत्र का चित्र बनाया, बोले और मिलता जुलता है, और भगवान के जब नाती का चित्र बनाया तो कहा, ये वही राजकुमार है जिसके साथ में मेरा विवाह हुआ है। उषा ने कहा, ये राजकुमार मुझे चाहिए। योगिनी बोली, ये तो भगवान के नाती है, द्वारका में रहते हैं, आज मैं प्रयास करती हूं। और चित्रलेखा योगिनी निकल गई है द्वारका की ओर और भगवान का सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था, अब योगिनी खड़ी है और इंतजार कर रही है कि थोड़ा सा भी भगवान का चक्र ठहरे तो मैं द्वारका में प्रवेश करूं, लेकिन पहरेदार भी इतना सजग है कि एक क्षण किसी को नहीं दे रहा है और चोर भी इतना बांका है कि वो एक क्षण के लिए इंतजार कर रहा है। नारद जी मिल गए और नारद जी को जैसे ही देखा, चित्ररेखा बोली, बाबा प्रणाम। नारद जी बोले, चित्ररेखा और तू यहां क्यों? बोले, बाबा उषा ने बाणासुर की बेटी ने स्वप्न में भगवान के पौत्र के साथ में अपना विवाह देखा है, अगर ये विवाह उसका नहीं हुआ तो प्राण त्याग देगी, इस चक्र को थोड़ी देर बातों में लगा लो, उलझा लो। नारद जी ने कहा, चक्र तू घूमता ही रहता है, अरे संतों के साथ में बैठा कर, सत्संग किया कर। इतने में योगिनी प्रवेश कर गई चित्ररेखा और सैया के सहित भगवान के पौत्र को उठा करके आज उषा के महल में ले जाकर के रख दिया। उषा बड़ी खुश हुई है कि मुझे स्वप्न वाला पति मुझे मिल गया, आज बड़ी प्रसन्न हुई है। लेकिन कुछ समय के बाद में बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री के महल में कोई पुरुष है और सूचना गुप्तचरों को दे दी कि यह पता लगा करके लाओ, और पता लगाया तो पाया गया कि उनकी पुत्री के महल में कोई पुरुष है, आक्रमण कर दिया और भगवान के नाती अनिरुद्ध को पकड़ करके आज उनको जेल में डलवा दिया गया। महीनों निकल गए, नारद जी आए, नारद जी ने सोचा कि उषा को जाकर के पूछे तो सही, अब उसको
स्वप्न वाला पति मिल गया है तो खुश होगी। और जब उषा के पास में आए तो उषा ने कहा, महाराज यहाँ तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, मेरे पिता ने भगवान के पौत्र को लेकर के कारागृह में डाल दिया। अब उनको ये तो बता दो कि उनका एक नाती कारागृह में बंद पड़ा है। नारद जी ने आकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम्हें मालूम है तुम्हारा एक बेटा, तुम्हारा जो पौत्र है वो बाणासुर के यहां कारागृह में बंद है। कन्हैया बोले, हे नारद जी, 2, 4, 10, 20, 50 हो तो मैं ध्यान में रखूं। अब ये परिवार इतना बड़ा हो गया है कि लाखों में जाकर के मेरे परिवार की गिनती होती है, तुम बताते जाओ मैं छुड़ाता जाऊंगा। और सेना को लेकर के बाणासुर के नगर में गए और बाणासुर के नगर में जाकर के जैसे ही पहुंचे तो पहरा दे रहे थे भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा, कन्हैया कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले, हे बाणासुर के नगर में जाना है, उन्होंने मेरे नाती को कारागृह में बंद करके रखा है, उनसे युद्ध करना है। शिवजी बोले, चेला मेरा है और पहरेदारी का जिम्मा मेरे ऊपर है, उसकी रक्षा और सुरक्षा मेरे हाथों में, इसलिए युद्ध करना होगा पहले मुझसे और इसके बाद में बाणासुर के नगर में आप प्रवेश करके जाओगे। कन्हैया बोले, ज्यादा बेकार की बात नहीं करते, हट जाओ। देखो एक दूसरे को भगवान मानने वाले हैं, कन्हैया के इष्ट हैं शिवजी और शिव के इष्ट हैं कन्हैया, एक दूसरे को भगवान मानते हैं। और आज स्थिति क्या बनी है कि इधर में गणेश जी आ गए, कार्तिकेय आ गए, नंदीश्वर आ गए, भूत प्रेतों की सेना आ गई और इधर में कन्हैया की पूरी सेना है और पहली बार भगवान कृष्ण और शिव में युद्ध प्रारंभ हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि देवता भयभीत हो गए कि आज होने वाला क्या है। भगवान कृष्ण और भगवान शिव ये दोनों युद्ध के मैदान में और घमासान युद्ध हो रहा है। कन्हैया ने देखा कि शिव जी ऐसे कब्जे में नहीं आएंगे तो क्या किया, जम्ब्रास्त्र लिया और एक जम्ब्रास्त्र लेकर के छोड़ दिया। और जम्ब्रास्त्र जो होता है ना उसमें जमाई आती है, सामने वाला युद्ध करना तो भूल गया, अब जमाई ले रहा था और इतने में कन्हैया को मौका मिल गया और कन्हैया ने सेना को लेकर के बाणासुर के नगर में प्रवेश किया। हजारों भुजाएं हैं बाणासुर के और एक एक करके भुजाओं को कन्हैया काटने लगे, लेकिन दो भुजा जब रह गई इतने में शिवजी की मूर्छा खुल गई। और शिव की जब मूर्छा खुली है तो कन्हैया से आकर के बोले, ये चेला तो मेरा है, इसे क्यों मारते हो? कन्हैया बोले, मैंने प्रतिज्ञा की है, इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे नाती को इसने बड़ा सताया है। शिवजी बोले, कितनी प्रतिज्ञा करते हो? प्रहलाद के सामने जब आप प्रकट होकर के गए थे तो आपने ये कहा था कि प्रहलाद मैं तेरे किसी वंशज को नहीं मारूंगा, ये प्रहलाद का ही तो वंशज है। कन्हैया बोले, मैं तो भूल ही गया, बाणासुर ने भगवान की स्तुति की है और अपनी बेटी का हाथ लेकर के अनिरुद्ध के हाथ में दिया, भगवान पुत्र वधु और पौत्र वधु और पौत्र को लेकर के सीधे द्वारका में पधारे। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक दिन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भगवान घूमने के लिए उपवन में गए कि एक दो पवनम राजन जगमुर यदो कुमार का बेहर्तम शाम प्रद्युम्न चारु भानु गदादय। आज बच्चों को लेकर के घूम रहे थे उपवन में और उपवन में जब घूम रहे थे तो क्या देखा बच्चों ने कि एक जल का कुआ है और उस कुएं में जल का जंतु पड़ा है, पूरे कुएं को घेर करके पड़ा है। बच्चों ने कहा, बाबा ये कौन सा जीव है जो पूरे कुएं को घेर करके पड़ा है? जब भगवान ने आकर के देखा तो वही जल का जंतु क्रकलाश उसमें पड़ा हुआ था कि क्रकलाशम गिर निभो वीक्ष विषमित मानसा। आज उस कुएं में क्रकलाश पड़ा हुआ है
जिसे संस्कृत में करकलास कहते हैं, हिंदी में जिसको गिरगिट बोलते हैं, और गांवों की देसी भाषा में जिसको करकेटा कहते हैं। आज पूरे कुएं को घेर करके पड़ा था, भगवान ने आकर के हाथ का स्पर्श किया और वही मानव बनकर के भगवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, भाई पहले तो तू करकलास था, गिरगिट था, और मानव क्यों बना, तू है कौन? उसने कहा, सुनिए महाराज, अगर दानियों की लिस्ट खोली जाए तो दानियों में सबसे पहला नंबर मेरा आता है। कि नरो नाम नरेंद्रो इच्छा कूतनय प्रभो दान स्वाख्याय मानेसु यदते कर्णमस्पृशम। मैं इच्छाक वंश में जन्म लेने वाला राजा नरक हूं और मैं सबसे बड़ा दुनिया का दानी हूं। अगर दानियों की लिस्ट खोली जाए तो सबसे पहले नंबर मेरा आता है, और मैंने दान भी कितना क्या किया है कि यावत्यः शिकता भूमिर यावत्या दिवतार का, जितने आकाश में तारे हैं ना उतनी गाय मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी है। उनके ऊपर झूल डलवा करके, उनके खुरों को मरवा करके, चांदी से सींगों को मरवा करके मैंने ब्राह्मणों को दान दिया। कन्हैया बोले, जब इतना ही बड़ा दानी है तो ये गिरगिट क्यों बना तू? उसने कहा, सुनिए महाराज, जिस समय मैं दान दे रहा था उस समय एक ब्राह्मण याचक मेरे यहां दान लेने के लिए आया, और मैंने उस ब्राह्मण को याचक को दान दे दिया। वो गऊ दान लेकर के चला गया और उसने वही गऊ अपने घर में जाकर के बांध दी, लेकिन वही गाय उसके यहां से खुल करके आई और मेरी गऊशाला में आकर के मिल गई। अब मुझे मालूम था नहीं, अब कोई दूसरा याचक दान लेने आया, तो मैंने वही गाय दूसरे वाले ब्राह्मण को संकल्प करके दान में दे दी। अब पहले वाला जो ब्राह्मण है अपनी गाय को खोजता हुआ चला आ रहा था, और इधर में दूसरे वाला जो ब्राह्मण है उस गाय को लेकर के जा रहा था। दोनों का मिलन हो गया। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय मेरी है, लेकिन दूसरा बोला, नहीं गाय मेरी है, संकल्प करा करके राजा से लाया। दोनों में झगड़ा हुआ, और जब दोनों में झगड़ा हुआ तो लड़ते झगड़ते मेरे पास में आए। मैंने पहले वाले ब्राह्मण के हाथ जोड़ करके उससे निवेदन किया, पंडित जी आप इसके बदले में दो चार गाय ले जाओ। उसने कहा, नहीं मुझे मेरी गाय चाहिए। दूसरे वाले से कहा, मैं गौशाला में चल करके तुम जिस गाय को कहोगे उसी गाय का संकल्प कर दूंगा। उसने कहा, सुनो मैं दोबारा संकल्प नहीं कराता हूं, क्योंकि एक बार का आपने जो संकल्प किया है उसके लिए मुझे बड़ा पूजा पाठ करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, और इस दान को पचाने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों जो ब्राह्मण हैं ये दोनों ही सुलक्षयावृत्ति से जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण हैं। और सुलक्षयावृत्ति क्या होती है? हमारे यहाँ खेती होती है ना, किसान खेत में से अनाज काट करके ले आता है और कुछ अन्न उस खेत में बिखर जाता है, जिसको हम कहते हैं सिला। क्या बोलते हैं? सिला। वो दोनों ब्राह्मण ऐसे थे कि सिला वीन करके लाना, और सिला वीन करके जो भी अन्न होता है उसी में अपना पेट की पूर्ति करते हैं, उसी में से यज्ञ करते हैं, उसी में से दान देते हैं। और ये दोनों जो ब्राह्मण हैं ये सुलक्षयावृत्ति से जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों ब्राह्मणों का मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया। अब दोनों ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुए और उस गाय को मेरे यहाँ छोड़ करके चले गए। और जब मैं यहाँ से मरने के बाद में गया तो मेरा बही खाता खुला, और बही खाता जब खुला है तो मेरे जीवन के पुण्य ज्यादा थे और पाप केवल इतना सा था कि मेरे यहाँ दो ब्राह्मण आए, मैं उनको प्रसन्न नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया, और अपने धन को मेरे यहाँ छोड़ करके चले गए, केवल जीवन का इतना सा पाप था मेरे। तो वहां के लोगों ने कहा कि ये बताओ, पहले आप पापों को भोगोगे या पुण्यों को, क्योंकि तुम्हारे पाप कम हैं पुण्य ज्यादा हैं। तो मैंने कहा,
पुण्य ज्यादा है पाप कम है तो पहले पापों को भोग लिया जाए। और वहां के लोगों ने मुझे गिरगिट बना करके कुएं में डाल दिया और मैं धीरे धीरे छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाने लगा और आज वही एक बहुत बड़ी गठरी बन गए। लेकिन आज मैंने जीवन में यही सीखा है कि ना हम हला हलम मन्ने। अरे जिसने विष खाया है वो केवल अकेला मरेगा, जिसने जहर खाया है। जिसने जहर खाया है वो केवल अकेला ही मरेगा, लेकिन जिसने ब्राह्मण के धन को हरण कर लिया, जो वेद पाठी ब्राह्मण है, तपोनिष्ठ ब्राह्मण है, और ऐसे ब्राह्मण को, ब्राह्मण के धन को जिसने हड़प लिया तो समूलम दहते पावक, वो पूरे परिवार के सहित में नष्ट हो जाएगा। इसलिए पूरी समाज को यह शिक्षा देकर के राजा नरक गए कि कभी भी तपस्वी ब्राह्मण के धन को हरण करने की कोशिश मत कर। यहां राजा नरक ने दान करने की विधि बताई है कि जीव को संसार में दान करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की तीन गति है, ध्यान देना। लक्ष्मी की पहली गति क्या है? सत्कर्म। दूसरी गति है भोग और तीसरी गति है नाश। ये लक्ष्मी की तीन गतियां हैं। हम कमा करके धन को सत्कर्म में लगाएं, ये लक्ष्मी की सर्वोत्तम गति मानी गई है। और कमा करके उपभोग में लेना, अपने गृहस्थ में खर्च करना, ये लक्ष्मी की ही मध्यम गति है। और कमा करके उसको बुरे कामों में लगाना, ये लक्ष्मी की अधोगति है, ध्यान देना। शास्त्र ये कहता है कि हम जितना कमाते हैं ना उसका दशांश हमें सत्कर्म में खर्च करना चाहिए, और जितना हम कमाते हैं उसका दशांश हमें तिजोरी के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, न जाने धन की कब जरूरत पड़ जाए। तो 10% हमेशा बचा करके चलो और 10% सत्कर्म में लगाओ और 80% जो धन है उसको अपने उपभोग में लो। लेकिन कमा करके बुरे कामों में लगाना, जुआ खेलना, मदरा का पान करना, वैश्या गमन करना, अगर इसमें धन को लगा दिया तो लक्ष्मी उसके यहां 21 वर्ष ठहरती है और उसके बाद में वही लक्ष्मी ऐसी लात मार करके जाती है कि उसके बच्चों को भी लक्ष्मी के लिए तरसना पड़ता है। ध्यान देना, भगवान ने कृपा की है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा हुई है। आज देखिए लक्ष्मीपति दुनिया में तो केवल नारायण है। लक्ष्मीपति कौन है? नारायण। हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, अगर लक्ष्मी ने कृपा की है तो लक्ष्मी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और जिसने भी दुरुपयोग किया है उसको मोह की खानी पड़ी है। मैं तुम्हें कितनी कथा सुनाऊं? दाऊ जी के पास में है बौरे गिरवर सिंह थे, और जिनके पास में 1200 बीघे जमीन थी गिरवर सिंह, और उनको रिझाने के लिए एक वैश्या आया करती थी, रोज आगरा से वैश्या आया करती थी। इतना पैसा था, बहुत पैसा था। एक दिन बेटा बड़ा हो गया, बेटे ने उस वैश्या को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, तूने मेरे पिता के जीवन को बर्बाद कर दिया, तू कल से मेरे घर मत आना। उस वैश्या ने गिरवर सिंह से कहा, देखिए तुम्हारा बेटा है ना, ये मुझे रोकता है आने से। उस गिरवर सिंह इतने कामहंद हो चुके थे, पैसे के मद में इतने हो चुके थे कि उन्होंने बंदूक उठाई और बंदूक लेकर के अपने अकेले पुत्र में गोली मार दी और उनका बेटा मर गया। मां बेचारी तड़पती रही, आज बच्चे को पानी तक नहीं पिला पाई। लेकिन अंतिम समय ऐसा आया कि 1200 बीघे जमीन बिक गई और अंतिम में उनको सड़क पर आना पड़ा, क्योंकि जिसने लक्ष्मी का दुरुपयोग किया है लक्ष्मी उसके यहां से चली गई है। इसलिए भगवान ने कृपा की है तो सत्कर्म कीजिए, अच्छे कामों में खर्च कीजिए, बच्चों को शिक्षा दिलाइए, आज अच्छी शिक्षा दिलाइए, अपने उपभोग में लीजिए, लेकिन बुरे कामों में लक्ष्मी को प्यारे मत लगाओ। लेकिन कहीं दान पुण्य की बात आ जाए
किसी गरीब कन्या के विवाह की बात आ जाए, समाज के हित की बात आ जाए, किसी मंदिर निर्माण की बात आ जाए, तो कहेगा कि मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, और अभी झगड़ा हो जाए तो उससे बड़ा करोड़पति दुनिया का कोई नहीं है। खेत बिक जाए तुझे उखाड़ करके फेंक दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। अरे तू गरीब को कम से कम कुछ न कुछ खिला करके तो देख, एक साल ही खिला करके देख। हमारे भागवत में कथा आती है, एक लोभी महाराज थे। लोभी कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी धर्म अनुष्ठान नहीं किया, घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई। अगर कोई बहन बेटी भी आ गई ना तो मौका पाकर के घर से बाहर निकल गई, जाएगी तो विदा देनी पड़ेगी। एक लोभी था, पत्नी बोली सुनते हो यहां से ज्यादा दूर गंगा माँ तो है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर माता गंगा होंगी। अरे सब स्नान करने जा रहे, तुम भी जाकर के स्नान करो ना। अब लोभी ने देखा पत्नी बार बार आग्रह दुराग्रह करती है, तो आज मुझे जाना चाहिए। और वो लोभी गंगा के किनारे गया स्नान करने के लिए, और जब स्नान करने गया तो वहां के पंडे लोग आ गए इकट्ठे होकर के और बोले, यजमान बहुत दिनों में आए हो, अरे पहले दान पुण्य करो बाद में स्नान करना। उस लोभी ने कहा मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, भाग जाओ। पंडा बोले ये घाट हमारा है और इस घाट के मालिक हमें, पहले दान पुण्य करना पड़ेगा तब जाकर के आप स्नान करना। उस लोभी ने कहा मत करने दो, गंगा तो सब जगह एक जैसी है ना, अब मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं दान के लिए। उसने कपड़े उठाए और घाट को छोड़कर के 4 किलोमीटर जंगल में निकल गया जहां शमशान घाट था। उसने सोचा यहां तो केवल मुर्दे ही आएंगे, पंडा थोड़ी आएगा कोई, जो भी आएगा इस घाट पर मुर्दे ही आएंगे, पंडा जी थोड़ी आएंगे। अब वहां कपड़े रख दिए, स्नान करने की तैयारी में था। भगवान ने सोचा आज पंडा हम ही बन जाए, और मेरे नारायण पंडा बन करके गए और बोले, यजमान बहुत दिनों में दिखाई पड़े हो, कहां रहे आप? अरे स्नान करने आए हो, परवी लेने आए हो, तो कुछ दान पुण्य कर लो ना। लोभी बोला मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं। भगवान बोले एक काम करो, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, संकल्प यहां कर दो, हम लेने तुम्हारे घर आ जाएंगे, और आज परवी का दिन है ना। उस लोभी ने देखा दुनिया का बेवकूफ पंडा मुझे पहली बार मिला है, संकल्प यहां करा रहा है और लेने को मेरे घर आएगा। जब इसको नाम भी गलत बताऊंगा, पता भी गलत बताऊंगा, तो ये मेरे घर कैसे पहुंच जाएगा। आज इतने में तो लोभी ने एक हाथ में गंगा जल लिया और कहा पंडित जी बोलो 1 टके का संकल्प। अब 1 टके का संकल्प बोल दिया, नाम भी गलत बताया, पता भी गलत बताया, और आज वहां से गंगा स्नान किया, बड़ा खुश होकर के आ रहा है। आज मैंने गंगा के पंडा को खूब पागल बनाया, आज उसको खूब घुमा दिया, और घर आकर के चाय पी होगी बैठ करके, और इतनी देर में तो 10 मिनट बाद में कुंदी खटक गई। बेटा को भेजा, बेटा जाना कौन दरवाजे पर आया है। अब बेटा आया, बेटा आया, कहिए कौन कहां से आए। भगवान ने कहा कह दो अपने बाप से जाकर के कोई पंडा जी गंगा जी से आए। बेटा गया, पिताजी कोई पंडा गंगा जी से आए, आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। उस लोभी ने कहा पंडा मेरे यहां, अरे मैं तो उसे नाम भी गलत बता करके आया था, पता भी गलत बता करके आया था, मैं तो उसे अलीगढ़ बता करके आया था, लेकिन अरनिया की घड़ी में कैसे आ गया। अरे उससे जाकर के कह दे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी मार्ग में चल करके आए, बीपी लो हो गया है, मिल नहीं सकते, और बीमारी की सुन करके शायद यहां से भाग करके चला जाए। बेटा आया, क्षमा करना पंडा जी, पिताजी तो रास्ते में चल करके आए, बीपी लो हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब पधारिए फिर कभी आना। भगवान ने कहा राम राम राम, एक तो यजमान मिला और वो भी कमजोर पड़ गया,
बीमार पड़ गया, सुन भैया एक आसन ला करके मुझे दे दे और तेरे दरवाजे पर बैठ करके हरी शरणम मंत्र का जाप करूंगा और भगवान से यह कामना करूंगा कि मेरा यजमान जल्दी स्वस्थ हो जाए और ऐसी हालत में छोड़ करके जाऊं ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मैं तभी जाऊंगा जब तेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा गया और बोला पिताजी वो तो ऐसे बोलता है कि आसन दे दो भगवान का भजन करूंगा जब ठीक हो गए मैं तभी जाऊंगा। लोभी ने कहा ऐसे नहीं जाएगा तो सुन होगी सो देखी जाए, कह दे पिताजी तो मर गए जब तो भागेगा। दौड़ करके बेटा आया, क्षमा करना पंडा जी बीपी इतना लो हो गया कि पिताजी दुनिया को ही छोड़ करके चले गए, अब पधारिए। भगवान ने कहा राम राम राम, एक तो यजमान मिला और वो भी दुनिया से चला गया, सुनो भैया घर में ज्यादा देर मत रखियो नहीं तो भूत प्रेत बन जाएगा। जब तुम्हारे पिताजी मर ही गए ना तो जल्दी से अर्थी निकालो और अर्थी निकाल करके शमशान को ले चलो और मैं जब यहां तक आई गया हूं तो 5 कंडा तो अपने हाथों से डाल करके ही जाऊंगा, ये शुभ काम तो मुझे करके ही जाना है, तैयारी करो जल्दी। बेटा गया और बोला पिताजी वो लोभी तो ऐसे बोलता है कि 5 कंडे में डाल करके जाऊंगा। लोभी ने कहा एक काम करो मेरी अर्थी बनाओ और अर्थी बना करके मुझे शमशान के लिए ले चलो। बच्चे बोले पिताजी ये सब क्या हो रहा है। लोभी ने कहा मैं जो कह रहा हूं वो काम को करो, आज अर्थी बनाई और महाराज उसको अर्थी पर लिटाया गया, पड़ोस के लोग आ गए, बच्चे लोग कंधे पर रख करके ले जा रहे हैं, पीछे पीछे पंडा जी चले जा रहे हैं, लोग बोले अचानक क्या हुआ, अरे ये तो स्वस्थ थे और अचानक क्या हो गया। लेकिन जैसे ही शमशान में लेकर